150 मील की बिजली की बाढ़, 2 मिलियन माइंस और हजारों विरोधी सैनिक, ये है डीमिलिट्रलाइज्ड जोन और डीएमसी, और ये है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच डिवाइडेड लाइन। 60 सालों से ये लाइन 38 पैरेलल ऑफ द ग्लोब लाइन के बीच में सिचुएटेड है, जो शुरू होती है वेस्टर्न की तरफ हान नदी से लेकर पूर्व में नॉर्थ कोरियन शहर कोसोंग में जाके खत्म होती है। ये लाइन 15 किलोमीटर चौड़ी है और ये टोटल 240 किलोमीटर तक फैली हुई है। लेकिन ये कोई ऐसी वैसी लाइन नहीं है, इसके दूसरी तरफ पैर रखते ही आपका क्या होगा इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मगर एक ऐसा देश जो पहले पूरा एक हुआ करता था, वो कैसे एक दूसरे के लिए इतना डेंजरस बन गया? क्या होगा अगर कोई ये डीएमसी लाइन क्रॉस कर दे, और क्या हुआ ऐसे लोगों के साथ जिन्होंने इसको पार करने की कोशिश की? इस लाइन की भी शुरुआत होती है कुछ फॉरेन ताकतों की वजह से, जिन्होंने कोरियन पेनिनसुलर में अपना दबदबा बनाने की कोशिश की थी। कोरियन किंगडम की शुरुआत 668 एडी से हुई थी। इसके इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ संपर्क की कमी के कारण इसे हर्मिट किंगडम के नाम से भी जाना जाने लगा। ये मेनली वेस्टर्न कंट्रीज के साथ कम्युनिकेट नहीं करना चाहता था, लेकिन 20th सेंचुरी की शुरुआत में चीजें बदलने लगी। कोरिया रूस जापानी युद्ध की गोलीबारी में फंस गया था। 1905 में युद्ध के अंत में जापान यहां अपना कब्जा कर लेता है। 1910 तक जापानियों ने कोरिया को अपनी एक कॉलोनी के रूप में शामिल कर लिया था और इस पर दशकों तक शासन करता रहा। वो यहाँ के राजाओं को एक कठपुतली के रूप में यूज करता था और कोरिया हिस्ट्री से रिलेटेड बुक्स पर बैन लगा दिया गया और उनकी भाषा को जड़ से खत्म करने की बहुत कोशिश की गई। इसके बावजूद विद्रोहों में कई लोगों ने अपनी आवाजें उठाई, मगर उनके मुंह बंद करा दिए गए। जापान ने हजारों कोरियाई लोगों को वर्ल्ड वॉर टू में लड़ने के लिए मजबूर किया, लेकिन ये वॉर जापान हार जाता है। जापान की हार के साथ एक पल के लिए ऐसा लगा कि कोरिया एक बार फिर अपना फ्यूचर बना सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इस वॉर के बाद के समझौते में कोरियन पेनिनसुलर के बारे में क्या करना है, इसका निर्णय वहां के लोगों की बजाय अमेरिका और यूएसएसआर ने अपने ऊपर ले लिया। पहले तो दोनों पक्षों का इरादा कोरिया को स्थिर करने और जापानी सेनाओं को हटाने में मदद करना था, लेकिन अपनी पावर के लिए वर्ल्ड वॉर टू के खत्म होते ही वो कोरिया को आधे आधे हिस्से में बांट देते हैं और दोनों उस पर कब्जा कर लेते हैं। तो हुआ कुछ यूं था साहब कि ये दोनों अपनी मर्जी से एक मिडिल पॉइंट चुनते हैं और दोनों देशों को डिवाइड कर देते हैं। जापान के सरेंडर के लिए ये घोषित किया गया कि 38 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के नॉर्थ कोरिया के सभी जापानी सेनाएं सोवियत सेना के कमांडर इन चीफ के सामने सरेंडर कर देंगी और 38 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के साउथ में सभी जापानी सेनाएं अमेरिकी सेना बलों के कमांडर इन चीफ के सामने सरेंडर कर देंगी। लेकिन यहां आप खुद सोचिए, आपकी ही जमीन पर दो देश खुद ही एक लाइन बना दे रहे हैं और उस डिसीजन में किसी भी कोरियाई को भी शामिल नहीं किया जा रहा है। इससे साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक सुपर पावर देश छोटे देशों के अंदर फूट डाल देते हैं और वो पूरी जिंदगी अपने लोगों के साथ ही लड़ते रहते हैं। ऐसे ही अमेरिका और यूएसएसआर ने भी गेम खेला। पहले तो अमेरिका और यूएसएसआर ने अच्छे इरादों का दावा किया, यहां तक कि ये दावा भी किया कि वो चाहे अलग अलग हों, मगर वो पूरे कोरिया में एक ही नेता को नियुक्त करेंगे और उसके लिए चुनाव भी आयोजित करेंगे। लेकिन जैसे ही कोल्ड वॉर शुरू हुआ, कोरिया दो भागों में बट गया। एक चाहता था कि वो कैपिटलिस्ट देश बने और एक चाहता था वहां कम्युनिज्म का सूरज उगे। उत्तर कोरिया में प्रशासन और कब्जे की सोवियत व्याख्या में उन पर साम्यवाद थोपना शामिल था। इसके चलते 1948 स्यांगमान री को अचानक ही साउथ कोरिया का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है और नॉर्थ कोरिया में किम इल सुंग पहले डायनेस्टिक रूलर बन गए, जो आज भी नॉर्थ कोरिया में सत्ता पर काबिज है। ये दोनों देशों में तनाव बढ़ गया और दोनों ही कोरिया को रिप्रेजेंट करने का दावा ठोकने लगे और 1950 में कोरियन पेनिनसुला अपने ही लोगों के बीच टूटने की कगार पर पहुंच गया। 25 जून 1950 को पूरी की पूरी नॉर्थ कोरिया सेना अचानक ही साउथ कोरिया पर आक्रमण कर देती है और यहां से शुरुआत होती है कोरियन वॉर की। ये एक खतरनाक वॉर था क्योंकि जिसमें दोनों पक्षों के लगभग 4 मिलियन सैनिक और नागरिक मारे गए। 1953 में ये वॉर आखिरकार रुक जाता है और दोनों पक्षों ने अपने सैन्य बलों को डिवाइड लाइन के लगभग 1 मील पीछे खींचने पर सहमति व्यक्त की। 2 और 1/2 मील चौड़े और 150 मील लंबे क्षेत्र को अलग रखा, जो आज कहलाता है डीएमसी जोन या फिर डीमिलिट्रलाइज्ड जोन।
तब से लेके आज तक ये बॉर्डर दुनिया के सबसे हेविली गार्डेड बॉर्डर में गिना जाता है, जहां पर सिचुएशन कभी भी सीरियस होने के चांसेस बने रहते हैं। इस बॉर्डर को काफी बार नॉर्थ कोरिया के लोगों ने पार करने की जरूरत की, जिसके बाद इसके चारों तरफ लैंड माइंस बिछा दिए गए और वायर फेंसिंग को भी पूरे लैंड पर बिछा दिया गया, जिसे क्रॉस करना मतलब अपनी जान गंवाना है। इसके अलावा इस एरिया में एक जॉइंट सिक्योरिटी एरिया भी बनाया गया है, जो इन दोनों देशों के बीच एक बफर जोन की तरह काम करता है और जिसे ट्रूस विलेज के नाम से भी जाना जाता है। ये एरिया साउथ कोरिया की राजधानी सियोल से सिर्फ 35 मील की दूरी पर मौजूद है। डीएमजी एक ऐसी बाउंड्री है साहब, जिसके पीछे एक पूरा इतिहास है, और इसकी वजह से ही साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, जो एक दूसरे से पूरी तरीके से अलग होने के बावजूद भी अपनी अपनी सॉवरेंटी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन साउथ कोरिया आने वाले टूरिस्ट के लिए ये साइट एक जियोपॉलिटिकल लैंडमार्क बन गया है, जिसे देखने के लिए लाखों टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। ये बॉर्डर लैंड कई सिंबॉलिक कल्चरल लैंडस्केप से भरा हुआ है, जो अपने अंदर कई मेमोरीज को समेटे हुए है। वो मेमोरीज जो बीते हुए समय के टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट्स पर हमारा फोकस डालती है, और कैसे दो देशों के बीच में मौजूद लैंड मास कंट्रोल किया जाता है, कैसे दो देश सिर्फ अपने आइडियोलॉजी के बेसिस पर इतने अलग हो सकते हैं, जहां साउथ एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डीमिलिट्रलाइज्ड जोन के उस साइड एक मोनार्क टाइप की सोसाइटी एग्जिस्ट करती है, जहां किसी के पास कोई भी अधिकार नहीं है। अगर आप यहां पर विजिट करते हैं तो आपको ऐसा फील होगा जैसे आप किसी मिलिट्री थिएटर में आ गए हैं, जहां पर साउथ कोरियन सोल्जर्स लगातार आपको वार्निंग देंगे कि किसी भी तरीके का हैंड जेस्चर आप नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स की तरफ बिल्कुल ना करें, क्योंकि कई ऐसे इंसिडेंट्स पास्ट में हो चुके हैं कि जब सिचुएशन काफी सीरियस हो गई थी। आमतौर पर नॉर्थ कोरिया ऐसे किसी भी घटना के होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है। ये साइट हाईली रिस्क साइट है, जहां पर दोनों ही साइड में कोई भी म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं है। अब डीएमसी के इतना हॉस्टाइल होने का सबसे बड़ा रीजन नॉर्थ कोरिया ही है, जिसे दुनिया का सबसे मिस्टीरियस और पिछड़ा देश कहा जाए तो गलत नहीं होगा। वहां की गवर्नमेंट ने अपने सिटीजंस के सभी पॉलिटिकल और सिविल राइट्स पर रोक लगा रखी है। वहां पर किसी भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन या पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्मेशन करने का राइट किसी के पास नहीं है। पुलिस आपको कभी भी किसी भी रीजन से अरेस्ट कर सकती है, आपको टॉर्चर भी कर सकती है। डीएमजी के उस तरफ जहां से नॉर्थ कोरिया शुरू होता है, उस जगह के बारे में हमें उतना ही पता चलता है जितना वो दिखाना चाहते हैं। अब नॉर्थ कोरिया ही नहीं बल्कि साउथ कोरिया ने भी ऐसे कई फैसले लिए हैं, जिसकी वजह से इस जोन में टेंशन बढ़ी रहती है। इसके बावजूद भी साउथ कोरिया ने ही यूएन की हेल्प से इस इलाके में पीस बरकरार रखने की कोशिश की है। साउथ कोरिया हमेशा से वेस्टर्न कंट्रीज के सपोर्ट में रहा है साहब, जिसकी वजह से उसने अपने देश में ह्यूमन राइट्स और एक बेहतर सोसाइटी के फॉर्मेशन की हमेशा कोशिश की है। इसके साथ ही डीएमसी को भी उसने ही एक टूरिस्ट साइट की तरह डेवलप किया है। इसके साथ ही साउथ कोरिया ने ही अपने रिश्तों को सही करने की कोशिश भी की है, जिसमें सितंबर 2018 में हुए इंटर कोरियन समिट शामिल थे, जिसमें उस समय की साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट मून जे इन और नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने डीएमसी में मुलाकात की थी। इस मुलाकात ने उम्मीदें जताई थी कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के रिश्तों में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे और हमें डीएमसी में भी तनाव कम होते हुए दिखेंगे। लेकिन सच्चाई ये है साहब कि इस मुलाकात का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा और इन दोनों देशों के बीच तनाव आज भी वैसे ही बरकरार है। पिछले साल ही साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया के साथ अपने मिलिट्री डील को सस्पेंड कर दिया है। इसके पीछे का रीजन ये था कि नॉर्थ कोरिया ने लाखों की संख्या में गुब्बारे साउथ कोरिया की तरफ भेजे, जिसमें कई तरह के कूड़े कचड़े भरे हुए थे। इस तरीके की हरकत नॉर्थ कोरिया ने पहली बार नहीं की थी, बल्कि वो पहले भी ऐसे कई बार कर चुका है। आज के टाइम नॉर्थ कोरिया लगातार अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज को धमकी देता रहता है और किम जोंग उन साउथ कोरिया के साथ लड़ाई की बातें करते रहते हैं। इसकी वजह से डीएमसी में तनाव प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। नॉर्थ कोरिया में अमेरिका ने कई सैंक्शंस लगा रखे हैं, इसके बावजूद भी नॉर्थ कोरिया को रूस और चाइना जैसे देशों का सपोर्ट मिलता रहता है, जिसकी वजह से वो लगातार अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाता रहता है। इनकी मदद से नॉर्थ कोरिया लगातार अपने डिफेंस सिस्टम मजबूत कर रहा है। वहीं साउथ कोरिया भी इसके लिए अपने आप को तैयार कर रहा है, जिस वजह से हमेशा यहां वॉर की सिचुएशन बनी रहती है।
लेकिन 1953 के बाद से कई लोगों ने इस लाइन को क्रॉस करने की कोशिश की है, जिसका अंजाम उन्हें भुगतना पड़ा। जनवरी 1968 में नॉर्थ कोरिया की सेना के 31 लोगों ने एक मिशन के साथ गुप्त रूप से डीएमजी लाइन को पार किया और ये मिशन था साउथ कोरियन प्रेसिडेंट पार्क चुंग ही को मारने का। इन लोगों ने सर्वाइवल स्किल्स, हैंड टू हैंड कॉम्बैट और नाइफ फाइटिंग की ट्रेनिंग में 2 साल बिताए थे। उन्होंने प्रेसिडेंट के मैंशन का फुल स्केल मैंशन बनाया और उसकी ट्रेनिंग करते हुए 2 हफ्तों से ज्यादा समय बिताया, ताकि वो ये पता लगा सकें कि इमारत में कैसे घुसपैठ की जाए और असैसिनेशन की साजिश को अंजाम दिया जाए। ये यूनिट तब फेंसिंग को काट कर हेविली गार्डेड को पार करके साउथ कोरिया में घुस जाती है। साउथ कोरियन सोल्जर्स की ड्रेस पहन के वो प्रेसिडेंट हाउस के 800 मीटर के अंदर भी घुस जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें एक चौकी पर रोक दिया गया और जैसे ही पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो उन नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स ने पुलिस पर गोलीबारी की और उन पर ग्रेनेड्स फेंके। जब उनको ये महसूस हो गया था कि उनका मिशन फेल हो गया, उन्होंने शहर से भागने और डीएमसी के पास वापस जाने की कोशिश की। इन 31 लोगों में से 28 लोग तभी के तभी मारे जाते हैं और एक को पकड़ लिया गया और 2 लोग भाग जाते हैं। डीएमजी में घटी सबसे क्रूर घटना है 1976 में हुआ एक इंसिडेंट, जहां एक पेड़ को लेकर हुई बहस कुल्हाड़ी मारकर हत्या में बदल दी गई। 2 अमेरिकी सेना के अधिकारी साउथ कोरियन साइट पर स्थित एक पेड़ की छंटाई कर रहे थे और ये यूएन वर्क पार्टी का हिस्सा थे। ये 30 मीटर लंबा पेड़ यूएन के चेक पॉइंट और एक दूसरी पोस्ट के बीच लाइन ऑफ साइट को ब्लॉक कर रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने कुल्हाड़ियों से उसकी ब्रांचेस को काटने का काम शुरू किया, तभी लगभग 15 नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स सामने आ जाते हैं और उन्हें उसे रोक देने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन अमेरिकी सोल्जर्स उनको इग्नोर कर देते हैं। तभी वो और फोर्स बुलाते हैं और लगभग 20 और सैनिक लाठियों के साथ वहां पर आ जाते हैं। तभी नॉर्थ कोरिया के सीनियर लेफ्टिनेंट अपने लोगों को हमला करने का आदेश देते हैं। तभी उन सैनिकों ने कुल्हाड़ी चलाना शुरू कर दिया और इस प्रक्रिया में उन 2 अमेरिकियों की मौत हो जाती है और कई अन्य सैनिक घायल हो गए। उनके क्षत विक्षत शरीरों को उस पेड़ के पीछे छोड़ दिया गया था, जिसे काटने के लिए उन्हें भेजा गया था। इस घटना ने दोनों कोरिया के बीच तनाव को अब तक के सबसे बड़े स्तर पर पहुंचा दिया, जिससे वहां बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया और लगभग एक बड़े युद्ध की शुरुआत ही हो गई थी। जवाबी कार्रवाई में ताकत का प्रदर्शन करते हुए 800 से अधिक अमेरिकी और साउथ कोरियन सोल्जर्स ने 4 दिन बाद डीएमसी में वापस चले गए और पेड़ को काट कर ढेर कर दिया। उस दिन बाद में नॉर्थ कोरिया नेता किम इल सुंग ने एक लेटर भेजकर घटना के यूएन फोर्सेस से माफी मांगी। अब 2008 में एक और इंसिडेंट हुआ, एक निहत्थी साउथ कोरियन हाउसवाइफ की गोली मारकर हत्या से सियोल में आक्रोश फैल गया था। पार्क वांग जा एक हॉलिडे रिजोर्ट में ठहरी हुई थी, जब वो गलती से नॉर्थ कोरियन मिलिट्री जोन में चली गई। बॉर्डर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित लग्जरी माउंट कुमगांग रिजोर्ट गोल्फ खेलने के इच्छुक साउथ कोरियन लोगों के लिए एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन था। 1998 में ये बना था और साउथ कोरियन कंपनियों द्वारा चलाया जाता था। ये इस आशा से बनाया गया था कि नॉर्थ कोरिया के लोग आर्थिक रूप से जुड़कर संबंधों में सुधार करेंगे, लेकिन ये सब चेंज हो जाता है जब वो सुबह सनराइज देखने के लिए बीच पर जाती हैं और गलती से बॉर्डर के पार्स पहुंच जाती हैं। उन पर तभी नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स गोली चला देते हैं और वो तभी वहां पर गिर जाती हैं। इसके अलावा नॉर्थ कोरियन सोल्जर का 2017 का वायरल वीडियो तो सबको याद होगा, जिसने अंतरराष्ट्रीय सुर्खियां बटोरी थी। ओ चोंग सोंग, जो कि नॉर्थ कोरियन जनरल का बेटा था, उसने वहां से भागने का प्लान बनाया। उसने मिलिट्री डिमार्केशन लाइन MDL तक तेज गति से कार चलाई और अपनी जान बचाने के लिए भागने से पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तभी नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स उस पर ताबड़तोड़ गोली करते हैं, जिस वजह से उन्हें 2 बार कंधे में और 2 बार पेट में गोली लग जाती है, जिसके बाद उसका आधा खून बह जाता है और वो मौत के कगार पर था। लेकिन साउथ कोरियन सोल्जर्स और अमेरिका मेडिक्स ने उसे बचा लिया। आज ओ चोंग सोंग साउथ कोरिया में सेटल्ड है, लेकिन इस घटना के बाद अब नॉर्थ कोरिया ने वहां एक्स्ट्रा बैरियर्स लगा दिए, ताकि ये लोग कभी ना हो सके। इसके अलावा वहां एक बड़ी खाई भी बना दी है और जहां सोंग की कार क्रैश हुई थी, वहां एक और नया गेट लगा दिया गया। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि डीएमसी लाइन पार करना कितना खतरनाक है, क्यों कोई इसको पार नहीं करना चाहता है। आपको क्या लगता है इस मिलिट्रलाइज्ड जोन के बारे में, कमेंट्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।